नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी में। मैं पूनम आपके साथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाडा ने शनिवार को गुजरात के बनासकांठा के लाखनी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को शहजादा कहने के बयानों पर पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वे मेरे भाई को शहजादा कहते हैं जबकि मोदी खुद शहनशाह बनकर महलों में बैठे हैं। प्रियंका ने कहा, यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। मोदी को देखिए, उनका चेहरा देखिए, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े और एक बाल तक इधर से उधर नहीं होता। वे आपकी समस्याएं कैसे समझेंगे? भाजपा हमें बदनाम करती है और आज खुद दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। 60,000 करोड़ में अपने दफ्तर बनवाए हैं। कोविड के टीके पर मिले सर्टिफिकेट पर मोदी जी की फोटो थी। मोदी जी ने जिस कंपनी को कोविड के टीके बनाने का लाइसेंस दिया, उसे पार्टी ने चंदा लिया। आज इसी टीके के साइड इफेक्ट की रिपोर्ट आ रही है। जवान लोग खड़े खड़े मर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, चुनाव भारत में हो रहे हैं और बातें पाकिस्तान की हो रही है। आपको बताया जा रहा है कि कांग्रेस एक्सरे की मशीन लाएगी। यह मशीन आपका सोना चुरा लेगी, मंगलसूत्र चुरा लेगी। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और इतनी तर्कहीन बातें करते हैं। देश की जनता ने आपको इसलिए चुना कि दुनिया के सामने आप साफ सुथरी बातें करें। हमारे प्रधानमंत्री झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब फालतू बातें भी करने लगे हैं। वे कहते हैं कि अगर आपके पास दो भैंस हैं तो उनमें से एक भैंस कांग्रेस चुरा लेगी। आप बताइए कि 55 साल हमारी सरकार रही, कांग्रेस ने किसी का क्या चुराया? किसकी भैंस चुराई, किसका मंगलसूत्र चुराया? पीएम होकर भी इतनी तर्कहीन बातें करते हैं। मैं भी वह एक्सरे मशीन देखना चाहती हूँ कि कैसे वह लोगों का सोना चुराती है, कैसे मंगलसूत्र चुराती है। पीएम मोदी गुजरात की जनता को अब नहीं पहचानते हैं। अगर वह गुजरात की जनता से कटे नहीं होते तो यहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी का आपसे जो फायदा निकलना था, उन्होंने अपना फायदा निकाल लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी गुजरात की जनता को भूल चुके हैं। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, लेकिन आप में से किसी एक का भी विकास हुआ? बस बड़े बड़े इवेंट करते हैं। एक बात तो मैं भी मानती हूँ कि इवेंट बहुत शानदार करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती, और इवेंट में सिर्फ मोदी जी ही दिखते हैं। एक समय मीडिया पीएम से ढेरों सवाल पूछा करती थी, लेकिन आज सब चुप हैं। आज मीडिया में 70 करोड़ बेरोजगार की नहीं बल्कि मोदी जी की पोशाकों की खबरें रहती हैं। पूरे देश में अजीब सी परिस्थिति बन गई है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।